गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। आज के दिन ब्लॉगटा शुरू करते गलम सॉरी भूल बोल गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या। आगरा तो जाब एक्चुअली आज के दोपुरे आगरा पहुँचे जाब तो आगरा के सेकेंड ब्लॉग थर्ड ब्लॉग जेटा ना कि करो कंटिन्यू करब ए प्लानिंग नहीं। गाड़ी समस्त किस लागेज लोड कर दिए शुधुमात्र हेलमेट जैकेटगुलो पड़ा बाकी आर शुद्ध ड्रेस फ्रेसगुलो पड़ा बाकी आ मैडम रेडी गए मैडम के आगे रेडी होते दिए दीची जाते लेडिजरा एकटू रेडी होते समय ना तो ठीक रेसपन्सिबिलिटी रेखी राइडिंग बाद बाकी मैनेजमेंट तुम्हार तो जैक गाड़ी नीचे सर मोटो ब्लगे मोटे सेट अपना देखो। ओहो ओषुद खेते भूले गे जलटा गाड़ी रेखे आस जैक नीचे गई ओषुदा खेल नहींब एक तो दाँतें बता समस्या भूगी जैक टप बक्स लोड करब टैंक बैग लोड करब सैडल बैग लोड हो गए और निजे एक रेडी करी जैकेट टैकेट पर बेसि देरी करब ना। आज के जार्डिटा एखान कम किलोमीटारे आज है क्योंकि हमें आगरा गए आगरा जार्डिटा मेयर संगे अटाच कर देव ना ये आला स्पीड रखब वो आलदा करब कि एक् शिवर ना से जार्डि शेषे तत चलते थको से देखिए देव हाँ आगरा आलदा ही रखते साइड सीन तो चलो आज के देरी करब ना। आज के कारिख आज के हलो 13 सेप्टेम्बर 2022। सो आज के बेड़ा अयोध्या रामजी की नगरी से आगरार तरफ भलोबासा शहर ताजमहल देखते। सो चलो देरी करब ना लेट्स गो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप ताते देखा करछि क्या ना देरी हो गए अलरेडी एक डेढ़ घंटा नीचे चलो। सो ये हलो गाड़ी बाहरे दिस इज माय बाइक लगेज लोड कर दिए बिस्टी की पड़छे बारिश हो रहा है ना। सो हमें बैरिए पड़े बिस्टी हो हल्का हल्का ड्रिजलिंग सेम कल के मत अवस्था कल को जेमन भाव बैरिए रखम ड्रिजलिंग मध्य गोटा दिन एरक रोद्दू बिस्टी आज के सेम अवस्था। सो यही हलो एट नैशनल हाईवे ना एक्चुअली नैशनल हाँ एट भेतर दे ए सामने गए नैशनल हाईवे पड़ो बाट एट हाईवे बाट होटेल भलो छो होटेल शाहू रूम एसी रूम छो बाट एसी यूज करी नहीं क्या कल के बिस्टिर मध्य गलाटा एक खुशखुश कर सारा दिन बिस्टी 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 एक बेपार। सो हमें कल के डान दिक एदिक दे शिलीगुड़ी हुए इस बदिगे ढुके ग दर्शन नगर हमें यहाँ मेक माई ट्रिप थे बुकिंग कर डान दिक्कतम सर वो थे बुक कर बदिगे चले नैशनल हाईवे कानेक्टिंग गलम बिस्टी पड़े हमारे गोप्रोटा बहरे। सो एपात अफ कर रखी देखी बिस्टी शुद्ध बेसि हम पर गोप्रो अफ ही कर देव मैं भेतरे ढुके दीब और इंटरकमो बहरे। सो एपात बंद करे गए अपन संगे जुक्त होबार ये अयोध्या शहर हमें फ्लाईओवर फ्लाईओवर हो बैरिए जाट देखिए दीची अपन के शहर का विशाल बड़ो अबियसलि बड़ो तो है अयोध्या हो कथा 1 hour later तो गोप्रोटा कनेक्ट कर लमोस्ट लखनऊ काछाची साकेताबाद शहर यहाँ लखनऊ बस बाकी नहीं 10-15 kilometers है यत कण धरे मारात्मक बिस्टी हो रेन गियार्स पड़े नहीं देखते हाथे पाए फुल्ली बिस्टिर मध्य गाड़ी चालिए एसे नवाबका शहर लखनऊ प्रचुर होटेल हमें लखनऊ शहर फ्लाईओवर क्रस करते करते आगरा 350 पाब कटा बजे एन शुआनाटा बजे शुआ दस शुआ एगारो शुआ बारो शुआ एक हाँ ठीक है देरटाई धरे चल रहा हमें लेखा चलो देरटाई मना है जस्ट ताजमहलटा तो एंटार करते एक घोरार टाइम पेले बस कानपुर लेफ्टे 104 kilometers ओ अच्छा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट लखनऊ हाईकोर्ट एखने कि जले नीलि कोर्ट तो विशाल बड़ो हाँ इरपर लेफ्ट टर्न सर आगरा निकलने वाले रास्ता का यही है क्या आगरा निकलने वाला रास्ता सीधा आगरा के लिए मतलब कोर्ट से पहले वाला जो रास्ता लेफ्ट है शहीद बस वाले जाएंगे आप हमारे पास हाँ इसको जाइए राइट हो जाइए हाँ हाँ आगे जहाँ पे ये रोड खत्म है हाँ हाँ फिर
अच्छा 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 सीधे चल रहे हैं, ठीक है ठीक है, थैंक यू। वो लेफ्ट वाला गलत गड़बड़ हो गया, ठीक हाँ हाँ अच्छा ठीक 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 थैंक यू थैंक यू। तो जा जाए हाँ जाच्छे तो सबाई गेट नंबर थ्री इधर से कौन दी जाए जाओ की ट्रैफिक ही तो नहीं सर, बोला आगरा निकलने वाला रास्ता यही होगा क्या? 25 किलोमीटर जाओ। हाँ हाँ, 25 किलोमीटर जाने के बाद दाहिने मुड़ जाना, अब चौराहा। अच्छा, चौराहा से बाएं हो जाना और सीधे आगरा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक थैंक यू। इधर इधर कहाँ आ रहे हो? हम लोग सिलीगुड़ी से आ रहे हैं एक्चुअली, वेस्ट बंगाल। इधर भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता। अच्छा मतलब अच्छा वाला रास्ता कौन सा? ये वाला सही है। अच्छा ये वाला, अच्छा हाईवे चाहिए, हाईवे चाहिए, हर जगह हाईवे। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सो गाइस, ये हलो सामने लखनऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जेखने बड़ बड़ दिग्गज प्लेयारा इसे खेले गए, प्रचुर मेमोरि क्रिएट कर गए। এদিকে হোটেলগুলো তো দারুণ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার এত সুন্দর, পুরে বাবরা মেটে হোটেল হয়েছিলাম, পুরে সাবাস। সত্যি লখনউ উন্নতি করছে। এই হলো ইন্টারন্যাশনাল লখনউ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, পাশেও একটা ছোট স্টেডিয়াম আছে, ওটা মনে হয় আদার্স কিছু হবে। স্টেডিয়ামটা দারুণ দারুণ আর দারুণ জায়গায় অবস্থিত। নিশ্চয়ই হোটেল এগুলোতেই প্লেয়াররা এসে উঠে থাকবে পাশেই মনে হয়। বাট পুলিশ হেডকোয়ার্টারটা দারুণ, এদিকে বলবে না গেলে পুলিশ হেডকোয়ার্টারটা। A few inches later. পেট্রোল এত পেট্রোল एक्स्ट्रा पेट्रोल, इसका पेट्रोल है, एक्स्ट्रा पेट्रोल एक्स्ट्रा। सब जिज्ञेस कर से क्वारी कर। हाँ कहाँ गाड़ी है भाई? दार्जिलिंग। सब क्यूरियोसिटी से जिज्ञेस कर। বুদ্ধ বিহার কি সমিতি উপভবন, শান্তি উপভবন, বিহার শান্তি উপভবন। বৌদ্ধ বিহার শান্তি উপভবন। ও লখনউ শহরটা একটু ঘুরিয়ে দিল আমাদেরকে শেষমেশ। A few moments later.
सो फाइनली गाइस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कैसा लग रहा है? फाइनली टच डाउन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मैं एखो एक्जैक्ट वही एक्सप्रेसवे तो पोछाय नहीं जैसे स्टार्टअप हो गल मैप देखा इस लंग मैं सम्भवतः এটা মানে এক্সপ্রেস ওয়েতে কানেক্ট করার একটা রাস্তা মানে ফাইনাল রাস্তাটা উঠিনি ওখানে পৌঁছালে পরে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যদি অনেকে এই ব্লগে অনেক ব্লগে দেখিয়ে ফেলেছে বাট এক্সাইটেড আমরা প্রথমবার আমাদের নিজস্ব বাইক নিয়ে এই এক্সপ্রেস ওয়েতে এইটা ওঠার জন্য লখনউ সিটি পুরো চক্কর মেরে দিলাম গুগল ম্যাপ পুরো ঘুরিয়ে দিল একবারে ঘেটে ঘ মানে ইজি না আমি হয়েছিলাম মানে ইজি 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 কিন্তু না একটা জায়গা থেকে এমন ঘুরলাম লখনউ সিটিটা ঘোরাই গেল যাক এই এই সুযোগে একটা লখনউ দেখা হয়ে গেল লখনউ তো আমাদের যাওয়া আসা কোনো সময় থাকার কোনো প্ল্যান ছিল না তো যায় ভালোর জন্য কি বলো একটু ঘোরা হয়ে গেল লখনউ সিটিটা একটা ডিটোর মারি দিলাম তো ডিটোর হয়ে গেল A few inches later. So সো এক্সপ্রেস ওয়েতে ওঠার আগে ফিউল আপ করে নিলাম বাথরুম করে নিলাম গাড়ি একটু চেক করে নিলাম চেক 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 গাড়ির কন্ডিশান একটু তো কাদা হয়ে আছে পিছন দিকটা যে বৃষ্টি পাচ্ছি দুদিন ধরে আমরা মানে বৃষ্টি এমন হ্যাঁ এসডি কার্ড এরও দেখাস না এসডি কার্ড এরও দেখাস না দেখালে সমস্যা পড়ে যাবো না এমনি ঠিক আছে সব কিছু ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে নিয়ে ভাবতেছি দেখি ব্যাটারি চেঞ্জ করে নি তাহলে সেট যাওয়ার জন্য এক্সপ্রেস ওয়েতে কিন্তু একটা জিনিস ভালো লাগে না এই বৃষ্টির মধ্যে রেইনকোট পরো বৃষ্টি হচ্ছেও না পুরোপুরি কোনো রকম করে রেইনকোটটা সো আমরা নিচের থেকে পুরো একটা রাউন্ড ট্রিপ নিয়ে আগ্রা লখনউ এক্সপ্রেস ওয়েতে উঠে গেলাম একটা ছবি তোলো তো মোবাইল দিয়ে ওয়েলকাম টু আগ্রা লখনউ এক্সপ্রেসওয়ে ক্যাশ 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 ওরে শালা তো উঁচু ছিল ক্যাশ আমার এই মেমোরি কার্ডটা প্রবলেম দিচ্ছে করাপ্টেড হয়ে যাচ্ছে বাবা করে তো বাম্পারটা এত উঁচু ছিল খেয়াল করি নাই आगरा के लिए आगरा के लिए 325 আমার মেমোরি কার্ডটা একটু প্রবলেম দিচ্ছে বলে না যখন খারাপ সময় আসে সব সময় সব দিক থেকে খারাপ সময় আসে এটা অ্যাকশন ক্যামেরার ইন্টারনাল মাইকে রেকর্ড করছি হাওয়ারও হয়তো আসতে পারে A few inches later. Oh, বৃষ্টি প্রচন্ড বৃষ্টি আমরা আগ্রা লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের উপরে আছি এখন বাট বৃষ্টিতে একদম মানে জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি বৃষ্টিতে মানে একদম জার্নিটা তছনছ তছনছ করে দিচ্ছে ময়ূর ডাকছে কত ময়ূর আমি ময়ূরের আওয়াজ পাচ্ছি কোথাও তো ময়ূর ডাকছে মানে এই দেখো বৃষ্টিতে একদম ভিজে মানে
কিছুই করতে পারছি না আমি, না ড্রোন উড়াতে পারছি, না একটা ছবি তুলতে পারছি, রেইনকোটটা খুলে যে ছবি তুলবো কিছু একটা পদের সেগুলো করতে পারছি না। এটা আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, ভাবলাম রেইনকোটটা খুলবো, দাঁড়ালাম বৃষ্টি শুরু আবার, কি করি? এই গোপ্রোটা মাউন্ট করলাম, আবার গেল গোপ্রোটাকে মাউন্ট করতে পারছি না। দেখি ওয়াটারপ্রুফিং কেসের মধ্যে যদি মাউন্ট করতে পারি, ওয়াটারপ্রুফিং কেস করতে পারবা? একটু ঢেকে রাখছি এটাকে, আমি বেশি হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঢেকে রাখলাম। बारिश ने बैंड बजा के रखा हुआ है आज। हो रहा है बंद, हो रहा है, हो रहा है बंद, हो रहा है। गूगल पे चल गया, बिहार में सबसे ज्यादा चल रहा है अभी, शायद 108 चल रहा है अभी। थोड़ा सा गैप चल के जीपे में। Later.
A few inches later. अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ एकदम फाइन और एकदम फाइन. तो मैंने ये देखा. अच्छा अंडे भाई बाइकर्स हैं तो कहीं टूर वूर करके आ रहे हो. तो कहते हैं जा रहे हैं चिनाव निकल रहे हैं. तो अयोध्या से निकले ताजमहल देखने का प्रोग्राम था लेकिन शायद आज लेट हो गए क्योंकि ताजमहल शायद 5 बजे तक खुला रहता है. उसका शायद बंद हो जाता ना. तो मेरे ख्याल में तो मुझे ठीक से मालूम नहीं है लेकिन खुला रहता है. नहीं मैंने गूगल में देखा कि 5 बजे तक दिखा रहता है. अब देख जाके देखते हैं होटल में चेकिंग करेंगे तो देखते हैं उसको. दार्जिलिंग और गैंगटॉक आएंगे तो टाइम भी कहेंगे तो दार्जिलिंग और गैंगटॉक घूमते हैं. माय वाइफ काम चल रहा है. आज मैं पूरा दिन बर्बाद हो गया. बारिश के लेट भी हुआ. बहुत उठना पड़ा. ये करना पड़ा. ये पैशन है. इतना टाइम में छुट्टी लेके और हम लोग जॉब करते हैं लिमिटेड. और ये पैशन है. एक्स्ट्रा टाइम में जब भी छुट्टी मिलता है हम लोग घूमने का करते हैं. उस दिन का मतलब छुट्टी को जमा करते हैं कलेक्शन करते हैं. आप जैसे लोगों को देखते हैं बहुत फैसिनेट होता है. ये अभी का समय है. माई एज इज 60. मैं जब आप लोगों की उम्र में था ना तो मेरे पास USD 250 हुआ करती थी. अच्छा स्टॉक प्राइस. तो उससे मैंने 500-700 हजार किलोमीटर. सिल्वर कलर का बाइक था क्या? नहीं ब्लू ब्लू में था. अच्छा ब्लू में था. एसडी का सिल्वर कलर का भी बाइक था. पूरा फेमस था लेकिन मेरे पास लकीली मतलब उसी कलर निकले थे वो. अच्छा अच्छा. अभी तो एसडी कमबैक कर रहा है उस ब्रांड के साथ. बच्चों ने कहा कि यार पापा आप ये बाइक बाइक छोड़ो. कार इज द सेम ऑप्शन अभी के लिए. एक्चुअली मेरे उधर पेन हो जाता है. मैं उधर भी वो एक डॉक्टर और ठोका वो कुछ आता है वो लगा के चलता है. नहीं बॉडी को मुझे आप लोगों को देख के मेरा वो आप कार में भी जा सकते हैं. उसका कोई याद आ जाता है बल्कि यार ये मेरे जैसे लोग हैं. बॉडी को मतलब बॉडी एक चीज है जिसको मतलब ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी क्या बोल रहा है आपका. अगर आपको आपको ये मालूम चला मैं मतलब क्यों खुश हुआ आपको देखकर. आप लोग जो आज कर रहे हैं मैं 45 इयर्स पहले करता था. आई वाज अ सिविल इंजीनियर. अच्छा अच्छा. और सो मेनी अच्छा जैसे मुंबई का सबसे ऊंचा बिल्डिंग मैंने बनाया. अच्छा अच्छा अच्छा. आई वाज इन दैट प्रोजेक्ट. मुंबई का पहला मेट्रो रेल मैंने आई वाज इन दैट प्रोजेक्ट. फ्रॉम बसोवा बाया अंधेरी टू घाटकोपर 12.5 किलोमीटर. आई वाज इन दैट प्रोजेक्ट. अभी आप कहाँ रहते हो? तो आगरा या आई वाज गोइंग टू अच्छा अच्छा आगरा रही यूपी. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज धौलपुर. माइन इज अ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट करौली. अच्छा नहीं उधर ज़्यादा जानता नहीं हूँ. कभी इस साइड में गया नहीं. बिल्कुल इस साइड में पहली बार एक्चुअली आगरा आया हूँ पहले. लेकिन उस टाइम पे मैं शायद क्लास 11th या 12th स्टैंडर्ड में. आप लोग क्या करते हो? हमें जॉब करते हैं स्टार्समैन में. स्टोर इंचार्ज ऑफिसर है हम में. और ये सीएसआर डिपार्टमेंट में स्टार्समैन लिमिटेड. स्टार्समैन फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री वहाँ पर हम लोग यहाँ पर ही है. प्लांट में है हम लोग. ऐसे ही चलता है. सो आगरा पहुँचे गए जी. आई लव आगरा. এখন হোটেল খুঁজতে হবে আমাদের বুকিং কোথায় আছে. কিছু স্টল আছে. লোকেশন তো এটাই দেখাচ্ছে. বা দেখ এইটাই হলো তাজমহল যাওয়ার রাস্তাটা. বেশি দূর না তো আমাদের হোটেল থেকে. এখান থেকে আগে যেতে পারবো তো? হ্যাঁ তাজমহল এন্ট্রি গেট. हाँ नहीं हम लोगों का क्या नाम है होटल का नाम क्या? द बिग ब्रदर हॉस्टल. कहाँ पर है? आगे दिखा रहा है ये. आगे है ना होटल है ना. और ताजमहल का एंट्री गेट यहाँ पर है. पार्किंग है. और जाने का रास्ता आगे है. अच्छा अच्छा ठीक है. बेटा पार्किंग बाइक तो पार्क करवो ना. ओए ताजमहल देखते पाते ना फर्स्ट एट व्यू तो आज भी. नहीं 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 बुकिंग. अच्छा हम लोग बिग ब्रदर हॉस्टल कहाँ कौन सा है? आगे है ना.
এখানেই আছে কথা। হ্যাঁ ইয়ে বলো না, কোনটা? হ্যাঁ আগে হ্যাঁ চলে আসি, রেস্টুরেন্টে চলে আসি, দেখাচ্ছে কি বলো তাহলে বানাচ্ছে। সো বাস স্টেশনে পৌঁছে গেছি, নামো দেখি, দেখি কতটা ড্যামেজ হয়েছে আমাদের বৃষ্টি। দেখ দাদা ফোনটা নিয়ে নি, ঘুরনে মে কিনা টাইম লাগ যায় ফির দু ঘন্টা লাগ যায় না, তবে টাইম কিনা হুয়া হ্যায় সাড়ে তিন সাড়ে চার সাড়ে পাঁচ দেখতে দেখতে আগে। আর ইয়ে পর খানে কে জায়গা কে বাহারি রেস্টুরেন্ট না 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 ইসে দেখো অ্যাপ্লিকেশনে দেখো কোনটা বুক সাইড।